बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बकरीद स्पेशल में लेकर आई हूँ बीफ पुलाव, जो बहुत ही मज़े का होता है और बहुत कम चीज़ों के साथ तैयार हो जाता है। आप अपने मेहमानों के लिए घर में ईद वाले दिन बनाएं, बहुत मज़े का लगता है। तो आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को शेयर करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। चलें, अब हमने 300 ग्राम बीफ लिया है, एक बड़ा चम्मच नमक, धनिया, सौंफ, एक लहसुन, दो तेज़पात के पत्ते और प्याज कटिंग हुई एक प्याली। अब हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। हम यखनी वाला पुलाव बना रहे हैं। अब हम पहले प्याज डालेंगे इसमें, ये सारे मसाले डालेंगे हम, और फिर गोश्त डाल के इसको गोश्त गलने के लिए रख देंगे। चैनल पे आपको दो तरह के पुलाव मिलेंगे, एक ये यखनी वाला और एक मसाला भून के बनाया था मैंने। चलो मसाला तैयार करते हैं हम। एक चम्मच भर के हमने काली मिर्चें ली हैं, दो अदद बड़ी इलायचियाँ ली हैं, जायफल, जवत्री, आप देख रहे होंगे किस क्वांटिटी में लिया है मैंने, और चार अदद छोटी इलायची। इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। देखें इसका इस फॉर्म में ये इसका पाउडर बन चुका है। अब चूल्हे पे हम रखेंगे भगोना, फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे प्याज फ्राई करने के लिए। एक प्लेट भर के हमने प्याज काटी है, दही हमने 1.5 पाव से ज़्यादा लिया है, मसाला जो भुना था हमने पिसा था, हरी मिर्चें हमने कूट ली हैं, ये ज़ीरा लिया है हमने भर के 1 टेबल स्पून, दालचीनी के टुकड़े, लौंगे, और ये आलू बुखारे हमने 7-8 लिए हैं, और ये पुलाव ज़ीरी होती है, आपको आसानी से मिल जाएगी बाज़ार में। अब प्याज फ्राई करते हैं हम, तेल हमारा हो चुका है। ये पुलाव की रेसिपी मेरी आंटी की है, वो बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, आप यकीन करें बहुत मज़े के। मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और हैं भी वो बहुत अच्छी। अल्लाह ताला उनका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे, आमीन। सादा कलर आ रहा होगा लेकिन हमने बिल्कुल क्रिस्पी कर ली थी। दालचीनी के टुकड़े और लौंगे डालेंगे, फिर ज़ीरा और ये सब डाल देंगे, पुलाव ज़ीरी और आलू बुखारे। अब इसको थोड़ी देर हम भूनेंगे। इसमें हम लहसुन अदरक भी डालेंगे। दो चमचे भर के डालेंगे इसमें लहसुन अदरक के। अब वो मसाला जाएगा जो हमने बनाया था, ग्राइंड किया था जो, और पिसी हुई हरी मिर्चें जो हमने पीसी थी। अब इसमें हम गोश्त यखनी में से निकाल के वो डालेंगे, ताकि हम गोश्त भी भून लें थोड़ा सा, तो उसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। अब इसमें हम दही डालेंगे, दही डाल के भूनेंगे। ये देखें भुन चुका है मसाला। अब इसमें हम यखनी का पानी डालेंगे, और जो उसमें लहसुन था आपने देखा होगा मैंने यखनी में लहसुन डाला था, उसको हाथ की मदद से या फिर फॉक की मदद से उसका गूदा जो होता है वो निकाल लीजिएगा और छिलके फेंक दीजिएगा। ये देखें यखनी का मसाला डाल दिया मैंने। तेज़पात के पत्ते ऐसे, इसमें धनिया सौंफ जो होता है वो नहीं डालिएगा, वो नहीं डालते, उसका टेस्ट थोड़ा फिर मुंह में आते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। अब इसमें हम चावल डालेंगे। हमने चावल 2 घंटे पहले भिगो दिए थे, 1/2 kg लिए थे हमने चावल। अब इसमें देखें ऊपर से हम नमक डालेंगे, चावलों में नमक ना ज़्यादा रहे ना कम, बहुत मज़े के बनते हैं, बस सही चावल। अब देखें हमारा दम भी आ चुका है,
ये देखें कितने खिले खिले माशाल्लाह से चावल बने हैं। अब इसको निकालते हैं। देखें इसका लुक, देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये वाइट पुलाव कहलाता है, आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। और बहुत कम सामान के साथ तैयार हो जाता है, क्योंकि आजकल तो टमाटर बहुत महंगे हुए हुए हैं, तो आप लोग बगैर टमाटर के बनाइएगा, बहुत ही मज़े का लगेगा। और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो आपने मेरी एक वीडियो को इतना सपोर्ट किया, इतना शेयर किया, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आगे भी आप लोग मुझे इतना ही प्यार देंगे जितना अब तक आपने दिया है। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।